हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं खालिद बिन वालिद, द हीरो ऑफ मुस्लिम्स, वो योद्धा जिसने कभी भी एक जंग नहीं हारी। सो ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक कहते हैं ना, हार से आप सीखते हो और छोटी छोटी हार होती है, चीज़ें होती है, लेकिन ये एक ऐसे योद्धा थे जो कभी हारे ही नहीं है। सो लाइक कितने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट रहे होंगे और कितना इन्होंने अपने स्ट्रैटेजीज पे और हर एक चीज़ पे वर्क करते रहे होंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स होता है ओपोनेंट जो होता है वो आपसे लर्न करता रहता है। और अभी तो चलो आप एनालिसिस कर सकते हो वीडियो और सब चीज़ लेके, लेकिन तब भी ऐसा होता था कि लाइक थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन ओपोनेंट्स तगड़े होते जाते थे थोड़े थोड़े साल बाद, और नहीं तो किसी और ने हमला कर दिया किसी ने, पर ये कभी हारे नहीं। सो इनके बारे में देखना बनता ही। और उस टाइम ऐसा होता था कि वहाँ अब के टाइम में इतने अटैक्स वगैरह नहीं होते, कम होने लग गए क्योंकि लोग एजुकेटेड हो गए हैं। लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा हो जाता था कि छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाइयाँ हो जाती थी, कि मतलब ये नहीं होता था कि दोनों पार्टी मैच्योर होती थी। अब तो ऐसा होता है ना कि अगर एक देश दूसरे देश से लड़ाई हो रही है तो फिर राजा जो है, अगर प्रेजिडेंट है ठीक है, उसको मतलब कि बात सही नहीं लग रही है तो वो किसी से एडवाइस ले लेता है ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। जो राजा होते थे, अगर कोई उल्लू राजा है ना, तो वो भाई अगर उसको ऐसा हो गया ना कि मेरी सुई उसने उस देश ने क्यों लेगी, तो उस चीज़ पे भी लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो वो चीज़ बोल सकते हैं हम, और इसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि यार ये आदमी, इन्होंने मतलब आज तक तो कोई जंग नहीं हारी है, तो यार ये कितने महान हो गए लिटरली। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मतलब इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ लो स्टिल आप कोई जंग ना मतलब हारो। तो इस पे हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और लास्ट वीडियो हमने देखा था हजरत अली की, जिसमें पता लगा कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। तो लिटरली उनको देखकर भी मैं ऐसी शॉक्ड हो गई थी कि यार नॉर्मल इंसान इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। और अब इनको भी, इनके बारे में हम जानेंगे, पर उसको उससे पहले हमें वीडियो देखनी पड़ेगी। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम सिपहसालार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी बहादुरी और पैंतरेबाजी की दाद गैर मुस्लिम तक दिया करते थे, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लकब दिया था, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनका जन्म मक्का में सन 592 ईस्वी में हुआ था। इनके वालिद, जिनका नाम वलीद था, मक्का के नामवर और मालदार शख्सियतों में से एक थे। अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मक्का के मुशरिकों में से उठाकर रोमन और पर्शियन एम्पायर पर ऐसे दे मारा कि दोनों सल्तनतें इनके कदमों तले आ गिरी। वाओ। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबुव्वत का ऐलान किया था, तब ये काफिर थे, और ऐलान नबुव्वत के 19 साल तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम और मुसलमानों के बड़े कट्टर दुश्मन थे, हर वक्त इस्लाम को मिटाने की साजिशों में लगे रहते थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ही निराली है, वो जिसे चाहे हिदायत दे दे। मुसलमानों और काफिरों के बीच जब जंगें हुआ करती थी, तो अक्सर जंगों में काफिरों की तरफ से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही फौज की सिपह सालारी करते थे। आपने बारहा बुखारी मुस्लिम की वो हदीस तो जरूर सुनी होगी कि गज़वाए ओहद में मुसलमान जीती हुई जंग हार गए थे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबाओं को पहाड़ी पर पहरेदारी के लिए भेजा था, मगर जब उन सहाबाओं को ऐसा लगा कि हम जंग जीत गए हैं, तब उनमें से कुछ सहाबा पहाड़ी से नीचे उतर आए थे। इसी का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों पर पहाड़ी के रास्ते से फिर से हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों को संभलने तक का मौका मिला और मुसलमान अपने हाथों ही जंग हार गए। इसी जंग में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार दांत मुबारक भी शहीद हुए थे। ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से ही हुए थे, मगर वो उस वक्त काफिर थे। और इस जंग के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके लिए बद्दुआ भी है कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और ही मंजूर था। फतेह मक्का के बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी परेशानी में थे, और इनकी परेशानी की वजह थी इस्लाम की हर रोज बढ़ती हुई ताकत। वो ये सोचते रहते कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है, तब हमेशा काफिरों को अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के बावजूद मुंह की खानी पड़ी है। कभी कभी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचते हैं कि क्या मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत मौजूद है, और क्या वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इसी सोच में डूबे रहते तभी उनके बड़े भाई का खत उनको मिला, जिसमें लिखा था कि ए खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में मुझसे सवाल किया है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाओ। इस खत का खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ऐसा रोब पड़ा कि वो फौरन मक्का आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम का वादा कर लिया। सही बुखारी की एक हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन अम्पायर की तरफ मुल्के शाम में, जो आज का सीरिया है, अपना एक एलची रवाना किया था एक खत के साथ। उस एलची को कत्ल कर दिया गया, और उस वक्त एलची का कत्ल ऐलान जंग हुआ करता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का एक लश्कर रवाना किया ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी थे। दोस्तों, ये वो वाहिद सहाबी है जिनका नाम कुरान पाक में है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जैद शहीद हो जाए तो जाफर को अपना अमीर बना लेना, और अगर जाफर शहीद हो जाए तो फिर अब्दुल्ला बिन रवा को अपना अमीर बना लेना, अगर वो भी शहीद हो जाए तो फिर तुम अपनी मर्जी से किसी को भी अमीर बना लेना। दोस्तों जब ये तीनों सहाबी शहीद हो गए तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौज की कमान अपने हाथों में संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर डाली। उनकी बहादुरी को देख दुश्मन भी हैरानकुन हो गए थे। ये जंग खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपह सालारी में मुसलमानों ने जीत ली थी, और फिर ये जंग गज़वाए मूता के नाम से मशहूर हुई। इस जंग में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे जोश के साथ लड़े, ऐसी बहादुरी के साथ लड़े कि दुश्मनों को धूल चटा डाली। इस जंग में 9 तलवारें आपके हाथों से टूटी, 9 तलवारें। दोस्तों ये कोई आसान काम नहीं है, एक तलवार भी किसी मर्द के हाथ से टूट जाए तो क्या कहने। दुश्मनों की सफों में घुसकर ऐसे लड़ते कि दुश्मनों के सरों की लाइनें लग जाती। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक यादगार जंग है जंगे यमामा, जो मुनकरे खत्म नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ आपने लड़ी। मुसलमानों के लिए ये बड़ी आजमाइश वाली जंग थी। इस बार मुसलमानों का पाला बड़ी जंगजू कौम से पड़ा था। 40 से 60 हजार तक का लश्कर था मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास, मगर शेर को कभी गीदड़ों की ताकत से डर नहीं लगा करता। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपह सालारी में जंग लड़ी गई, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैतरे बाजी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज में ऐसा खौफ पैदा किया कि वो पीठ दिखाकर बुजदिलों की तरह अपने महलों में जाकर छुपने लगे। मुसैलमा कज़्ज़ाब मारा गया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह से नवाजा। हदीसों में आता है कि जंगे यमामा मुसलमान हारने वाले थे, क्योंकि दुश्मनों ने एक साथ 700 हुफ्फाज को शहीद कर डाला था, मगर अचानक ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले ही दुश्मनों के काफिलों में घुसकर दुश्मनों को मार गए। जबरदस्त वॉरियर था, उनकी फौज खौफ खाकर पीछे हटती चली गई। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। इस वजह से नहीं कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे, बल्कि इस वजह से कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों के खिलाफ मुसलमानों को हर जंग में फतह दिलाते आ रहे थे। इस वजह से मुसलमान ये सोचने लगे कि बिना खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान कोई जंग नहीं जीत सकते। तो इस सोच को मिटाने के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, और इसकी जगह अबू उबैदा इब्ने ज़रा को आर्मी चीफ बनाकर जंग में भेज दिया। मुसलमानों में बातें शुरू हो गई कि ये उमर ने क्या किया, अब मुसलमान इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेगा, मुसलमान हार गए तो। मगर मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से जंगे यरमूक फतह कर ली। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए खड़े हुए और बोले कि खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज तो खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हो रही है। कल को खालिद नहीं रहेगा तो क्या तुम समझते हो इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम को तो हमेशा रहना है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में लगभग 200 जंगें लड़ी हैं, और वो दुनिया के पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने एक भी जंग नहीं हारी थी। यहाँ तक कि काफिरों की तरफ से लड़ी गई जंगे उहुद में भी उनको फतह हासिल हुई थी, इनकी परवरिश तलवार के साए में हुई थी। इन्होंने इस्लाम अपनाने के बाद 7-8 साल तक काफिरों से लगातार जंगें लड़ी और इस्लाम के लिए नए नए मुल्क हासिल करते गए। अपने आखिरी वक्त में ये बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे, सहाबा इकराम इनके आसपास खड़े हैं। खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चारों कतार रो रहे हैं। सहाबा पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, तो आप फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां तलवारों नेजों के निशान ना हो, मैंने इतनी जंगें लड़ी और आज मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तर पर मर रहा हूं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जंग में शहीद का दर्जा हासिल करूं, मगर ऐसा ना हुआ। सहाबा फरमाते हैं कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह की तलवार का लकब दिया है, अगर आप जंग में मरते तो लोग कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर है कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, अगर जंग में मौत आती तो मुझे आती, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी हैं। क्या कमाल की वीडियो थी यार, और सीरियसली मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई जब उन्होंने कहा कि इन्होंने लड़ाई करते करते 9 तलवारें तोड़ी। जैसे कि यार हम नॉर्मली ठीक है हम एक नाइफ नहीं तोड़ सकते, तो ये तो तलवार है और उन्होंने 9 तलवारें तोड़ी, तो वो अपने में ही बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, और इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने 200 जंग लड़ी थी, चाहे फिर वो नॉन मुस्लिम जब वो थे तब उन्होंने भी लड़ी थी और जब वो मुस्लिम बने तब भी उन्होंने लड़ी थी, स्टिल वो कभी भी 200 जंगों में से एक भी जंग में नहीं आ रहे। उन्होंने कहा जैसे उनके शरीर पे पूरे बदन पे चोट थी तलवार की, स्टिल वो कभी भी हारे नहीं, तो इससे पता लगता है कि यार वो सीरियसली बहुत बड़े थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो 19-20 साल वो पहले नॉन मुस्लिम थे, स्टिल वो उसके बाद उनको कुछ ऐसी वो इन्फ्लुएंस हुए होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एकदम से, तभी उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया इनटू इस्लाम. और सिर्फ रिलीजन कन्वर्ट नहीं करा, और अपना पूरा जितने उन्होंने गलतियाँ की थी उन्होंने अपना उसका पछतावा भी किया, और जितना हो सके उन्होंने एफर्ट, जितने कर सके उन्होंने उतने एफर्ट्स किए. तो सीरियसली मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और बहुत ही वो पावरफुल एक वॉरियर थे, स्ट्रॉन्ग वॉरियर. वही, वो कोई वॉर हारते नहीं, और वो कैसे किस तरीके से वो पहले उनके ऑपोजिट हुआ करते थे और वो उनकी पूरी सेना को ख़त्म कर रहे थे, और इस तरीके से लाइक वो अपना दिमाग यूज़ करते थे इवन तो वो वॉर हार रहे थे, पर उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे सहाबा उसके ऊपर अटैक कर दिया और फिर कहीं ना कहीं वो वॉर जीत ली थी मुस्लिम्स के खिलाफ. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो समझ आ गया था उनको, और फिर उनसे बात की गई और उनको बताया गया कि भाई आपको बुलावा है, तो वो उन्होंने पूरा अपना मेंटल चेंज किया और फिर वो इनकी साइड से लड़ने लग गए. एंड लाइक उनकी एंड भी, डेथ भी तो कैसी हुई उनको, एक मतलब एक नॉर्मल बूढ़े बन के वैसे डेथ हुई, और उनको था कि भाई मैं वॉर में मरता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जब वो कभी हार ही नहीं सकते तो उन्हें वॉर में कौन ही मार सकता था. वो इस तरीके से तो योद्धा थे कि कभी हारना नहीं, कुछ करना नहीं, बेटर स्ट्रैटेजी के साथ जाना, इस तरीके से अटैक करना. तो यार ये बहुत ही कमाल के एक्चुअली ये हीरो ऑफ मुस्लिम्स है जिन्होंने कभी भी जंग नहीं हारी. तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आपको अच्छा जरूर बताएगा, ऐसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. बाय.